ओए ओए, मजा आ गया भाई, अजब गजब, झकास, enjoy the hot garlic chilies and lots of butter with love, enjoy. ट्वेंटी पीस ऑफ चिकन ड्रम स्टिक, ठीक है, अभी इसमें डालेंगे सॉल्ट टू टेस्ट, मेरे पास पिकल लेमन, एक चम्मच देगी मिर्च, ठीक है, मैंने स्लो मोशन के लिए थोड़ा शूट कर दिया था पहले, ठीक है, अब इसको मिला देंगे, तो नमक हो गया, बड़ा वाला लेमन हाफ हो गया, आप चाहें तो उसमें दो से तीन नींबू का जूस डाल सकते हैं, ठीक है, बहुत बढ़िया, बस इसको मिला के रख देंगे, दिस इज अ फर्स्ट मैरिनेशन, ठीक है, फर्स्ट मैरिनेशन हो चुका है, अब इसको एक घंटे के लिए फ्रिज में डाल देंगे, ठीक है, क्योंकि जो उसका मसाला बनेगा वो इज वेरी स्पाइसी विद गार्लिक विद बेडगी चिल्ली एंड गुंटूर चिल्ली, इट्स वेरी स्पाइसी, तो इसलिए लेमन इसमें ज़्यादा डालना ज़रूरी है, ठीक है, बस अभी इसको फ्रिज में डाल देते हैं। चिकन को हमने फ्रिज में से निकाल के बाहर छोड़ दिया ताकि रूम टेम्परेचर पे आ जाए, फिर इसका जो हम सेकेंड मैरिनेशन है वो करेंगे, जितना भी पानी रहेगा सारा निकाल के, ठीक है, जो नींबू जूस डाला हमने बड़ा वाला है ना, तो थोड़ा वाटर रहेगा उसका, तो वो यूज़ नहीं करना, वो जितना चूसना था चिकन ने चूस लिया है, ठीक है, दैट इज शायद बी ट्रू, चिकन का पानी भी छोड़ता है ना मैरिनेट करने के बाद, ओके, चलो पानी में बबल्स आना शुरू हो गए धीमे धीमे, ये डाल देंगे और इसकी गैस बंद करके छोड़ देंगे इसको। दो अखा लहसुन को हमने पील कर लिया है, ठीक है, क्योंकि मैरिनेशन में नमक डाला था बट मसाले में भी थोड़ा नमक चाहिए, तो डालेंगे थोड़ी सी चीनी, एक बड़ा स्पून डार्क सोया सॉस, चाट मसाला, इंडियनाइज करना है ना उसको, एक चम्मच देगी मिर्च बड़ा वाला, एक चम्मच तली हुई प्याज का तेल, ये हमेशा हमारे पास स्टॉक होते दिख रहे प्याज ही बारीक बारीक जो दिख रहा है, चिल्ली जो हमने सोक कर ली थी अब इसको निकाल लेंगे, सोक हो चुकी है, सॉफ्ट हो चुकी है, बस पीसने के लिए इसको सीड्स के साथ ही पीसना है, ठीक है, ये चिल्ली हमने सोक कर ली और सारी डालेंगे बेडगी और गुंडूर वाली, ठीक है, ये सब इसके अंदर जाएगा सारा, ठीक है, पानी डालने की जरूरत नहीं, चिल्ली में थोड़ा पानी है, इसी से पेस्ट हो जाएगी, ठीक है, एकदम इसको फाइन पेस्ट कर लेंगे, थोड़ा दरदरा भी रहेगा तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, तो मसाला पीसा था सारा हमने इधर चिकन पे डाल दिया, अब इसको मिला लेंगे, बेसिकली मैं मार्केट गया था, तो मैं गया था लेने के लिए चॉकलेट, तो वहाँ मुझे दी थी बास्केट, जैसा KFC वाली बास्केट होती सेम, तो मतलब चलो बनाते हैं, तो फ्राइड चिकन तो बना चुका था मैं क्रिस्पी वाला, उससे पहले भी बना चुका था, तो मतलब कुछ नया बनाते हैं, तो ये नई रेसिपी इनोवेशन है मेरी खुद की है, ठीक है, मैं चीज़ों को देख के चीज़ बनाता हूँ, यानी कि चिकन दिखा और चिकन बनाना ललचा दिया, ऐसा गलत, कोई चीज़ देखता हूँ फिर मैं उसके पीछे दिमाग लगाता हूँ, सुबह 4 बजे उठ के डेली, तब जाके चीज़ें बनती हैं, तब जाके टेस्ट आता है खाने में, क्योंकि पिछला 30 साल का एक्सपीरियंस भी तो बोलता है ना कि क्या डालने से क्या फ्लेवर आता है, क्या टेस्ट आता है, बस इसको अच्छे से मिक्स करके साइड में रख देंगे, कोई रोस्टेड चना पाउडर, कोई चीज़, कोई काजू पेस्ट या फिर कुछ और ब्रांडिंग वेंडिंग की ज़रूरत नहीं, क्योंकि ये ग्रिल्ड होगा और बहुत ही बेहतरीन एक डिप है जिसमें बटर और हनी और पेपरिका पाउडर पड़ा हुआ है, मेरी क्रिस्पी चिकन फ्राई के अंदर उसकी रेसिपी है, ठीक है, जो ऊपर से ब्रश करेंगे जब फल जाएगा ना बहुत मज़ा आने वाला है, एक तो स्पाइसी और चाट मसाले का चटपटा, बर्तन वाइट पटक रही है कोई बात नहीं, काम ज़्यादा हो गया आज मजाक कर रहा हूँ, ठीक है इसको अच्छे से मिला के अभी बाहर ही रखना, फ्रिज में नहीं डालना है, ऑलरेडी हम फ्रिज से बाहर निकाल के इसको रूम टेम्परेचर ला दिए, बस इसको अच्छे से मिक्स करके बाहर रख देंगे, अभी चारकोल जलाएंगे तब तक ये अच्छे से मैरिनेट हो जाएगा, 1 घंटा लग जाएगा मेरे को चारकोल जलने में, ठीक है, जल के फिर वो धीमी आंच पे आना चाहिए तभी इसको भूनने का मजा आएगा, दहकती हुई आंच पे भूनोगे तो ऊपर पक जाएगा, काला हो जाएगा और अंदर से कच्चा रहेगा, बढ़िया से मैरिनेट हो चुका है, इसको हम रखते हैं साइड में, फ्रिज में नहीं रखना, बाहर ही रखना है इसको, ठीक है, अभी जलाते हैं चारकोल, ठीक है, एटलीस्ट 1 आवर इसको सेकेंड मैरिनेशन में होना चाहिए, फर्स्ट मैरिनेशन तो 2-3 घंटे हो चुका है ऑलरेडी, है ना, ठीक है, मिलते हैं चारकोल जला के, बहुत ही प्यारी खुशबू है माशाल्लाह, सिगड़ी पे जाली लगा दी हमने, चारकोल हमारे दहक के अभी मीडियम फ्लेम पे आ चुके हैं, इसमें सारा चिकन लगा देंगे एक एक करके, ठीक है, आप इसके सामने ढलोगे पता चलेगी इसकी, इसमें लगाए, ठीक है, सारे ऐसे करके लगा लेंगे, ओके 6 पीस लगाए हमने,
पेपरिका पाउडर एंड बटर, ठीक है, मतलब बना के दिखाई दूँ आपको, आ जाओगे ढूंढते फिरोगे रेसिपी के अंदर। मतलब काली मिर्च का पाउडर एडिशन कर रहा हूँ मैं, वो वाली रेसिपी में नहीं है। थोड़ा सा हनी, इच्छा अनुसार कितना मीठा खाना है, बस मैं बिल्कुल हल्का सा डाल रहा हूँ, ठीक है। बस बटर के साथ इसको मिक्स कर लेना है, बटर थोड़ा अभी टाइट है, बाहर छोड़ रहा हूँ तो ये सॉफ्ट हो जाएगा, बाद में इसको मिक्स कर लेंगे। सॉल्ट डालने की ज़रूरत नहीं क्योंकि बटर सॉल्टी है, जैसे मिला लें, ठीक है, मिक्स वेल। इसी में रखेंगे क्योंकि हमको चिकन में डालना है, फिर छोटे बोल में निकाल के फायदा नहीं, अलग से लगाना है। ये सारा 100 ग्राम बटर उसी में जाना है, 20 लेग में, एक खा चुके हैं 19 लेग अभी। इस बीच में ना आग ठंडी होना शुरू हो जाती है, जाली हटा के एक बार उसको पूरा एक जगह ला के दोबारा पंखा मार के ऐसे कोई ब्रेड लो प्लास्टिक के इसको ऐसा मार के उसको दोबारा जला लेना, जब अच्छे से जाग जाएगा फिर इसको फैला के फिर जाली डाल के जो बच्चे हमारे मतलब 6 पीस उसको सेकना है, ठीक है। 12 पीस में आग ठंडी हो चुकी है, बटर हो चुका है सॉफ्ट, ये देखिए बढ़िया से इसको बस अच्छे से मिक्स करके एक छोटे से बोल में निकाल देंगे, ठीक है। जब चिकन सारा रेडी हो जाएगा तब इसको ऊपर से लगा के दोबारा ग्रिल पे लगा देंगे और बल्ले बल्ले हो जाएगा। सारे हमने हाफ डम कर लिए, ठीक है। अभी जो हमने बटर बनाया मसाले वाले के साथ, हनी दालचीनी पेपरिका पाउडर ब्लैक पेपर, वो सारा इसमें मिक्स करके बढ़िया से दोबारा से सेक देंगे एक बार, ठीक है। चिकन हाफ डम हो चुका है, इसे बटर मसाले के साथ, ठीक है, थोड़ा सा बचाते हैं ऊपर गार्निश में डालने के लिए, अब इसको मिक्स कर लेंगे, फिर से इसको ग्रिल में लगा देंगे दोबारा, ठीक है, अच्छे से मिक्स कर लेंगे एक बार। ये देखो मेल्ट हो रहा है ना, मक्खन मक्खन, ये देखो बढ़िया है ना, मिक्स कर लेंगे बस। मज़ा आ गया भाई, मक्खन मक्खन, बस अभी इसको डालते हैं ग्रिल में बढ़िया से, ठीक है। मजा आ गया भाई, क्या ग्लेस आ गया इस पे, देखो मजा आ गया, सारा तगड़ी हमने लगा दी इस पे फुल डम के लिए, ठीक है। एग्जॉस्ट इसलिए ऑन कर दिया ताकि धुआं घर के अंदर ना भर जाए। After the photo shoot, we'll cook again. See this, should be nice, crispy. You can see all over, right? You see this? Okay, should we get nice black mark in the chicken, then only it's nice. Okay? For photo is okay, no problem. But eating, you should be cooked like this. Nobody show you, but I'm showing to you. ठीक है, half dump करके ही लेते हैं सब लोग ताकि अच्छा लगे वीडियो में, ठीक है, अच्छा लगे, ठीक है, बट पब्लिक को बताओ भी ना भाई कि बाद में क्या करना है ना। देखो एकदम बढ़िया ऐसे पकना चाहिए, तभी तो मज़ा आए खाने का, ठीक है, जूसी एकदम, अच्छा है ना, बढ़िया से अंदर देखो, मज़ा आ गया, जब गजब, एंजॉय।